हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरेखा निटिंग। फ्रेंड्स, आज मैं ये वाला पैटर्न लेकर आई हूँ। ये पैटर्न बहुत इजी है और ये लेडीज जैकेट, लेडीज कार्डिगन वगैरह में बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे आपकी मर्जी है, किसी में भी बनाए और बेबी फ्रॉक में भी बहुत अच्छा लगता है। देखिये कितना प्यारा पैटर्न है, केवल 4 सिलाई का पैटर्न है, 6 फंदों पर बना है। ये यहाँ से यहाँ तक 6 फंदे हैं, यहाँ से यहाँ तक 6 फंदे। देखिए 6-6 फंदे हैं ये, तो 6 फंदों के मल्टीपल में हमें 3 फंदे ऐड करने हैं। इस तरह से आप इसमें फंदे ले लीजिएगा। ये इसकी रोंग साइड है, रोंग साइड से सारी सिलाइयां उल्टी बुनी जाती हैं। तो ये देखिए, तो चलिए फ्रेंड्स बनाकर देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 21 स्टिचेज लिए हैं, 6 के मल्टीपल में 18+3, तो ये 21 हुए। ये हमारी राइट साइड है, राइट साइड से पहली सिलाई सीधी बुनेंगे और रोंग साइड से दूसरी सिलाई उल्टी, ये 2 सिलाई प्लेन आएंगी। तो ये पूरी सिलाई सीधी सीधी बुनी जाएगी। ये मैं पूरी सीधी बना लेती हूँ पूरी सिलाई। देखिए ये रोंग साइड है और ये है हमारी दूसरी सिलाई, और ये पूरी उल्टी उल्टी बुनी जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 सिलाई हमारी प्लेन बन गई है। अब हम यहां से पैटर्न बनाएंगे। देखिए ये फंदा हमने स्लिप कर लिया, अगला फंदा हमने सीधा बना लिया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और धागे को पलवाई जैसे घुमाएंगे। एक फंदा बढ़ गया यहाँ पर, एक फंदा उल्टा बुनेंगे और 3 फंदे यहाँ पर 3 का एक बनाएंगे, उल्टे ही बुनेंगे। ऐसे 3 का एक बना लिया, फिर से हम एक फंदा उल्टा बनाएंगे। ऐसे हमने एक फंदा उल्टा बना लिया। अब धागा पीछे करेंगे और धागे को निटवाइज ऐसे सिलाई पर घुमाएंगे, तो यहाँ पर एक फंदा हमारा बढ़ गया। अब यहाँ एक फंदा सीधा बनेगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 फंदे हैं। फिर से ये फंदा हमारा सीधा बन गया, जैसे हमने यहाँ पर ये सीधा बनाया था। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे 6 फंदे हैं और यही हमारा रिपीट पैटर्न है। फिर से हम धागा ऐसे घुमाएंगे पल वाइज और एक फंदा बढ़ा देंगे और यहाँ पर एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर से 3 फंदों का एक बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा बैक साइड करेंगे और एक फंदा बढ़ा लेंगे इस तरह से नीट वाइज। एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, पल वाइज घुमाएंगे, एक फंदा बढ़ा लेंगे, एक उल्टा बुना, फिर 3 फंदों का एक बनाया उल्टा ही, फिर एक फंदा उल्टा बुना, फिर धागा पीछे करेंगे और एक फंदा बढ़ा लेंगे इस तरह से, और एक फंदा सीधा बना लिया। और ये स्टिच है, ये भी हमने सीधा बना लिया। तो देखिए ये हमारी तीसरी सिलाई थी, और चौथी सिलाई पूरी उल्टी ही आएगी क्योंकि रोंग साइड से सारी सिलाइयां उल्टी उल्टी ही बुनी जाती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रोंग साइड से सारी सिलाइयां उल्टी उल्टी बुनी जाती हैं, जाली वाले फंदे भी उल्टे, और ये सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 4 सिलाई मैंने बना दी है। यही 4 सिलाई आपको रिपीट करनी है। फिर से हमें 2 सिलाई प्लेन बनानी है, यहाँ से सीधी और रोंग साइड से उल्टी, और फिर हमें 2 सिलाई ये बनानी है। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनता जाएगा। देखिए कितना प्यारा है और कितना इजी है, बहुत इजी है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये पैटर्न अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।